देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की कहानी है विशाल और पंकज की। विशाल जो कि अभी 12वीं क्लास में था और पंकज उससे 1 साल सीनियर, दोनों ही एक रात कब्रिस्तान से गुजरने की गलती कर बैठे और फिर उसका अंजाम क्या से क्या हो गया, आइए जानते हैं इन दोनों की जुबानी। मेरा नाम विशाल है, यह वाक्य मेरे साथ पिछले साल जून में घटा था। मैं बिहार के महुआ जिले का रहने वाला हूँ। जून में बड़ी तपती गर्मी होती थी, हमारे कोचिंग वगैरह सभी बंद थे। एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त पंकज एक दूसरे गांव अपने टोले के एक चाचा की शादी में गए थे। शादी में घर से सिर्फ किसी एक आदमी को ही नौता था, इसी वजह से मेरे घर से सिर्फ मैं जा रहा था। सबको अपनी बाइक से जाना था उस शादी में और रात को ही वापस लौटना था। मेरे दोस्त पंकज के पास बाइक थी जिस वजह से मैं उसके साथ जाने वाला था। यहाँ से हम लोग तो सभी के साथ समूह में बड़े आराम से गए, वहाँ शादी वगैरह भी इंजॉय की और खाना खाने और दुल्हा दुल्हन को भेंट देने के बाद करीबन रात के 1:30-2 बजे वापस लौटना था। हम लोग वहाँ से लौटने लगे, मेरा दोस्त पंकज ड्राइव कर रहा था। अचानक ही आगे से मेरे दोस्त ने राइट टर्न ले लिया जिसने मुझे हैरान कर दिया था। इस पर मैंने पंकज से पूछा भी, अरे भाई ये तूने गाड़ी क्यों मोड़ ली, सब आगे जा रहे हैं। तो उसने कहा, ये देख इस रास्ते से हम सीधे 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे और उस रास्ते से लगेगा 1 घंटे, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ और नींद भी आ रही है मेरे को, इसी वजह से अगर इस रास्ते से हम चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। मैंने उससे कहा, ये बात तो ठीक है, पर अगर आए थे सबके साथ तो हमें जाना भी सबके साथ चाहिए था यार। मेरा दोस्त पंकज गाड़ी बढ़ाए जा रहा था, मैं उसे बार बार गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए कहे जा रहा था, पर वो तो जैसे मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा था। और मैं तो कभी इस रास्ते से गुजरा भी नहीं था जिस वजह से मैं अपरिचित था इस रास्ते से। मैंने एक चीज़ तो गौर की कि जिस रास्ते से इस समय हम गुजर रहे थे वो एकदम सुनसान और खाली था, रास्ता जैसे सालों से वीरान पड़ा हो। तभी मेरा दोस्त पंकज मस्ती से गुनगुनाए जा रहा था, मैं भी पीछे थोड़ी घबराहट के साथ बैठा था, क्योंकि एक तो आधी रात का पहर और सुनसान रास्ता, वो भी इस तरह। मैंने तभी देखा कि एक बड़े से ग्रिल पर एक आदमी हाथों के बल उल्टा खड़ा है जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने पंकज को हाथ हिलाते पूछा, भाई वो देख ये क्या चीज़ है। तभी मेरे दोस्त पंकज ने उस तरफ देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। मैंने भी जब वहाँ एक बार और देखा तो मुझे भी वहाँ पर कोई नहीं दिखा था। अचानक से जैसे वो शख्स बिजली की तरह गुल हो गया था। इस पर पंकज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अब कब्रिस्तान से गुजरते वक्त हर किसी को ऐसे ख्याल आते हैं, तू बहुत बड़ा डरपोक किस्म का है। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, तेरा क्या मतलब है, क्या ये जो सामने जंग लगा हुआ ग्रिल है इसके पीछे कब्रिस्तान है। तभी पंकज बोला, हाँ इस समय हम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। मैं पंकज पर बरस पड़ा, उसे मैंने चिल्लाते हुए कहा, अबे अरे यार आज तेरा मरवाने का इरादा है क्या, तुझे पता भी है तू किस रास्ते पर ले आया है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पंकज फिर से हंसने लगा और बोला, मैं तो तुझे सिर्फ डरपोक समझता था, पर तू तो कुछ ज़्यादा ही डरपोक है। उस समय पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया जिसने मेरे आगे के समय को पलट कर रख दिया। फिर मैंने भी उसे गुस्से में कहा, अच्छा जैसे तुझे तो डर ही नहीं लगता होगा, तेरे में हिम्मत है तो क्या तू अंदर जा सकता है, ऐसे बाहर से तो सभी बड़े बड़े बोलते हैं। मेरा दोस्त भी पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने गाड़ी घुमाई और वापस कब्रिस्तान के ग्रिल के सामने जाने लगा। मुझे भी लगा कि शायद ये मजाक कर रहा होगा, पर नहीं, उसका इरादा कब्रिस्तान के अंदर जाना था। ये एक मुस्लिम इलाका था जहाँ से इस समय हम गुजर रहे थे। मेरे दोस्त ने कब्रिस्तान के ठीक सामने गाड़ी रोकी और कब्रिस्तान के ग्रिल को लांघकर अंदर घुस गया।
मैं तो उस वक्त बाहर ही रहा। मैंने उस समय अपने फ़ोन में समय देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मेरा दोस्त काफ़ी अंदर जा चुका था। मुझे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। मैं बाहर से ही मेरे दोस्त पंकज के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे तो उसकी चिंता भी हो रही थी कि पता नहीं आज क्या होगा उसका। पर काफ़ी समय गुजर जाने के बाद मेरा दोस्त वापस नहीं लौटा। मैं मेरे दोस्त को इस तरह कब्रिस्तान में आधी रात को अकेले छोड़कर जा नहीं सकता था। मन में डर भी था, क्योंकि घर पहुंचने के बाद सबसे पहला सवाल मुझसे यही होता कि पंकज कहाँ हैं। भगवान ना करे अगर पंकज को कुछ हो गया हो तो फिर सभी लोग मुझे ही इसका जिम्मेदार मानते। इसी वजह से मैंने भी कब्रिस्तान में दाखिल होने की बेवकूफ़ी की। मैंने भी ग्रिल लांघी और डरते ही सहे, पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर एकदम से कूद गया। मेरा शरीर अंदर से कांप रहा था। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और अपने दोस्त की तलाश करने लगा। वहाँ पर मुझे मेरा दोस्त कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे कब्रिस्तान के आखिरी छोर की तरफ बढ़े जा रहा था। फिर मैं जब एकदम आखिरी छोर पर पहुंच गया था कि तभी मुझे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था दी एंड। मैं उसे देखकर एकदम से डर गया और सोचने लगा कि ये बोर्ड पर लिखा हुआ कब्रिस्तान के ख़त्म होने का संकेत है या फिर मेरे। मैं थोड़ा पीछे हटा कि पता नहीं कैसे एक कब्र के ऊपर की मीनार अपने आप खुल गई। मेरी नज़र उस कब्र में दफन लाश पर गई। अब जो मैंने देखा उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने देखा ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही दोस्त पंकज की थी। मैं ये देखकर तुरंत पीछे हट गया और मीनार भी अपने आप ही बंद हो गई। मैंने तभी अपनी दूसरी तरफ से देखा कि मेरा दोस्त कब्रिस्तान के बाहर से मुझे आवाज़ दे रहा है। मुझे उस समय कुछ और नज़र नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि मुझे कब्रिस्तान पार करना था। मैं फटाफट वहाँ से भागने लगा। बहुत मुश्किलों से मैं ग्रिल तक पहुँचा और फिर कूद कर बाहर आ गया। तभी मैंने वहाँ पर अपने दोस्त पंकज को खड़ा पाया। यह सही समय नहीं था पंकज से कब्र वाली बात पूछने का। इसी वजह से उसके और मेरे लिए सबसे ज़रूरी था कि घर पहुँचना। मेरा दोस्त पंकज बाइक स्टार्ट करने लगा पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पर फिर जो हम दोनों ने देखा उसने तो हमारी सांसें थमा दी थी। मैंने और मेरे दोस्त पंकज ने हूबहू अपने शक्ल से दो शख्स देखे जो कि कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे। वो दोनों लगातार अपने कटे हुए सिर को घुमाए जा रहे थे जो कि माहौल को और डरा रहा था। उनका सिर कुछ इस तरह कटा था जैसे किसी ने नपाई से उनके सिर को गोल करके किसी खंजर से काट दिया हो। अब वो टहलना छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिए। मेरा दोस्त पंकज लगातार बाइक को स्टार्ट कर रहा था पर बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो दोनों शख्स अब कब्रिस्तान की दीवार कूदने ही वाले थे कि खुशकिस्मती से बाइक ने अपना इरादा बदल लिया और बाइक स्टार्ट हो गई। पंकज ने बाइक को फुल स्पीड पर लिया और मैं उसके पीछे ही बैठा था। पंकज भी हद से ज़्यादा डरा हुआ था। उसके मुताबिक उसने भी मुझे एक कब्र में दफन देखा था। मैं पीछे बैठा बैठा ही साफ साफ देख रहा था उन दोनों को ही जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पर फिर शायद बदकिस्मती की घड़ी छाई और बाइक ने साथ छोड़ दिया। बाइक हमारी फिर से एक बार बंद पड़ गई। इसने मेरी और मेरे दोस्त पंकज की सांसें थमा दी। अब हम सोचने लगे कि आखिर अब क्या होगा। हम लोग तुरंत बाइक को छोड़कर वहां से भागने लगे। छुपने के लिए कुछ जगह की ज़रूरत थी हमें। हम लोगों को वहीं एक पुल दिखा जो कि खेतों से लग रहा था। तभी मैंने और मेरे दोस्त ने बिना देरी किए उस अंडरग्राउंड पुल के पीछे छुप गए। हम लोग उन दोनों ही मुर्दों को साफ साफ देख पा रहे थे जो वहीं एक चबूतरे पर और एक पेड़ के सबसे ऊपर चढ़कर हमें तलाश कर रहे थे।
वो दोनों उस जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बार बार अपने दोस्त पंकज को कोसे जा रहा था उसकी इस गलती के लिए। वो अगर सीधे से उन सब के साथ चलता तब शायद हमारी यह दुर्गति नहीं होती। तभी मेरा फोन बजा। फोन मेरे पापा का था। उन्होंने कहा, अरे कहाँ रह गए तुम दोनों? पंकज के पापा भी कह रहे थे, पंकज भी घर नहीं पहुंचा अभी, तुम दोनों साथ में तो हो, आखिर कहाँ रह गए हो तुम अब तक? मैंने मेरे पापा को सब कुछ शुरू से अब तक बताया। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा घबरा गए और बोले, तुम दोनों ने यह बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें अंदाजा भी है इस तरह मौज के लिए कब्रिस्तान जाना कितना खतरनाक है। तुम लोग वहीं छुपे रहो और वहाँ से बाहर मत निकलना तब तक जब तक हम ना पहुँचते। करीबन आधा पौना घंटा तक हम इसी तरह वहीं पुल के पास छुपे रहे और उन मुर्दों को भी देखते रहे जो कि अब तक वहाँ से नहीं हिले थे। थोड़ी देर बाद फिर से मेरे पापा ने कॉल लगाया और पूछा कि कहाँ पर हो तुम दोनों? तो मैंने बताया, वहीं पुल के पास। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि 20-25 लोग पुल की तरफ आ रहे थे। उनमें से एक मेरे पापा और बड़े पापा भी थे, जिन्हें देखकर मुझे राहत मिली और अब लगा कि अब हम सुरक्षित हैं। फिर मैंने उस चबूतरे पर नज़र दौड़ाई तो इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम दोनों भागते हुए पापा के पास गए और फिर हम वहाँ से घर पर पहुँचे। ये जो घटना हमारे साथ घटी थी, हमने इसके बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने एक पंडित से हमारा शुद्धिकरण भी करवाया और फिर हमें कभी भूलकर भी उस रास्ते से ना गुजरने की नसीहत दी। और सच में उसके बाद से आज तक कभी भी हमने उस रास्ते से गुजरने की हिमाकत नहीं की, क्योंकि हमें पता है कब्रिस्तान से गुजरना मतलब मौत को बुलाना। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।